काफ़ी घूमने फिरने के बाद जी मुझे ना तो यहाँ कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नज़र आया, इंडियन रेस्टोरेंट नज़र आया, और ना ही पीसीआर के लिए मुझे कोई फैसिलिटी नज़र आई है। जॉर्जिया में लास्ट मंथ था मैं, वहाँ तो जगह जगह पीसीआर टेस्ट करने वाले खड़े थे और पूछ रहे थे पीसीआर चाहिए पीसीआर चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं मिला कोई भी। बहरहाल चले कोई नहीं, अभी मुझे लगता है मुझे निज़ामी स्ट्रीट की तरफ जाना चाहिए। एक तो मुझे आई एम श्योर कि वहाँ रेस्टोरेंट मिल जाएगा कोई पाकिस्तानी इंडियन, और दूसरा शायद वहाँ से ही किसी से पूछ लूँगा कि पीसीआर टेस्ट कहाँ से होना है। टाइम भी काफ़ी हो गया और भूख भी काफ़ी लग चुकी है। चलो बहरहाल देखते हैं। भाईजान इतना ज़्यादा घूमने के बाद अभी टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है वो करवाने के लिए। फिर मैं बहुत सारी जगहों पे चेक किया लेकिन नहीं था मिल रहा। अभी फिर मैंने वो वापस उसी रेस्टोरेंट में आया, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, उस भाई से पूछा तो उस भाई ने ये टैक्सी करवाई है, तो ये टैक्सी से बैठ के अभी मैं जा रहा हूँ लैला मेडिकल सेंटर। ये टैक्सी। हेलो ब्रदर, अभी टैक्सी में बैठ गया हूँ, ये यहाँ से लेगी 2 मनात लैला मेडिकल सेंटर के लिए। हाउ आर यू ब्रदर? गुड। टैक्सी यहाँ की चीप है एज़ कम्पेयर टू दुबई, तो आपको लेकिन ये है कि यहाँ पे एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगी बोल्ट के नाम से। बोल्ट नाम की ऐप डाउनलोड कर लें और उसके ज़रिए फिर आप ये बुक कर लें, उसके ऊपर ही टोटल जो आती है ना कॉस्ट वो उसके ऊपर ही आएगी। तो अभी मैंने ये किया, यहाँ बिल्कुल यहीं पर है कहीं वो व्हाट यू कॉल मेडिकल, लेकिन यार ये अजीब है, पूरा टूरिस्ट एरिया वहाँ है लेकिन लैब वहाँ कोई भी नहीं है। अभी कम से कम यहाँ पे 10 से 12 किलोमीटर चल के हम आए हैं यहाँ पे, और इसने मुझसे लिए हैं 2 बनात, ये पहुँच गए लैला मेडिकल सेंटर। पहुँच गए हैं जी लैला मेडिकल सेंटर, अभी जाके पीसीआर टेस्ट करवाते हैं अंदर से। लैला मेडिकल सेंटर, यहाँ पे भी अच्छा खासा रश लगा होगा। लाजिम है जी सबसे पहले ये पहनने यहाँ से लेके, तो अभी चलते हैं, यहाँ पे लाइन लगी हुई है क्यों जी। तो व्यूअर्स पीसीआर टेस्ट हो गया, ये मेरे पीछे लैला मेडिकल सेंटर है, महंगा है और रश भी अच्छा खासा लगा हुआ था, काफ़ी टाइम लग गया है। पीसीआर टेस्ट की जो इन्होंने कॉस्ट ली है वो 70 मनात हैं, जो कि दुबई के ऑलमोस्ट 150 दिरहम बनते हैं। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ पेपर, सेवेंटी मनात का हुआ और इसकी रिपोर्ट आएगी 6 घंटे के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, उस टाइम ना जब मैं वहाँ से वापस आया था तो वो टैक्सी वाले ने डायरेक्ट मुझे मेरे होटल के बिल्कुल सामने उतारा था, तो फिर मैंने क्या किया, मैं डायरेक्ट चला गया था अपने होटल रूम में। मैंने सोचा चलो वहाँ रेस्ट करता हूँ उसके बाद फिर निकलता हूँ, तो 2-3 घंटे मैंने रेस्ट की और उसके बाद फिर मुझे मैसेज आ गया मेडिकल सेंटर वालों का कि पीसीआर टेस्ट रेडी है तो वो कलेक्ट कर ले, तो मैं फिर वो कलेक्ट करने चला गया था। तो अभी वहाँ से मैं वापस आया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ पीसीआर टेस्ट की जो रिपोर्ट मुझे मिली। ये है जी पीसीआर टेस्ट, इन्होंने 5 घंटे का कहा था, 6 घंटे का कहा था और 3 घंटे में मुझे रिपोर्ट मिल गई है। तो ये है जी निज़ामी स्ट्रीट, जो कि शाम का मंज़र, लोग यहाँ पे आते हैं पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, और इस टाइम अच्छा ये निज़ामी स्ट्रीट है ये साइड और ये साइड। ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये ऊपर नज़र आ रहा है, ये निज़ामी स्ट्रीट है, लेकिन मैं सीधा जाऊँगा वहाँ पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ इनका जो क्रिसमस मार्केट है ना, क्रिश्चियन मार्केट जो है वहाँ। यहाँ से आते ही आपको सबसे पहले तो ये बॉम्बे वाला मिलता है, हेलो, ये आपको नज़र आ रहा है,
बॉम्बे जायका हिंद रेस्टोरेंट, तो यहाँ से आप इंडियन खाना खा सकते हैं, नीचे आपको जाना पड़ेगा। और रश यहाँ पे देखें जी, क्या बात है। तो एक रेस्टोरेंट मैंने बॉम्बे वाला रेस्टोरेंट आपको दिखाया है, दूसरा इस तरफ है, वो उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पे रश चेक करें, रश सही अच्छा खासा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं यहाँ पे। अभी इनमें से टूरिस्ट भी हैं और ज़्यादातर लोग जो है ना आज़री खुद हैं, इनके जो अपने हैं ना डिफरेंट दूसरे शहरों से यहाँ आते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ आप चेक करें, रश पीछे चेक करें, जैसे हमारे उधर कोई मेला लगा होता है ना, तो मेले में जो सीन होता है, जिस तरह लोग जोग दर जोग आ रहे होते हैं, बिल्कुल सेम वही सीन है भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश है। तो चलें जी, ये है जी पूरा यूरोप का सीन है, पूरा यूरोप का। ये पीछे बालू बने हुए हैं, ये जो मेरे पीछे है ना, ये पूरी क्रिश्चियन और क्रिसमस पार्टी है और क्रिश्चियन मार्केट है। मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ दूसरी तरफ, जहाँ पे हमें इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिलेंगे। तो अभी मेरे पास मनाज थोड़े कम ही बचे हैं, तो क्योंकि मैंने PCR टेस्ट ये वो करवा लिया, हर PCR टेस्ट में तो मैंने पैसे नहीं दिए, वो मैंने अपने कार्ड से पेमेंट की थी, लेकिन फिर भी मेरे पास पेमेंट थोड़ी कम ही है, तो इसलिए इसलिए फिर मैं कोशिश करता हूँ थोड़े से चेंज करवा लूँ ताकि काम आ जाए। यहाँ पे ये एक्सचेंज है, यहाँ पे देखते हैं कि दिरहम का क्या रेट मिलता है, और यहाँ से 100 दिरहम चेंज करवा लेता हूँ मैं। मनात मनात 100 दिरहम के 38 मिले हैं, दैट्स फेयर इनफ। तो मनात चेंज करवा लिए मैंने 100 दिरहम के, लेकिन यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा कम लगा यार, एयरपोर्ट पे कम लगता है, वहाँ मुझे 100 दिरहम के 40 मनात मिले थे, लेकिन यहाँ पे मुझे 100 दिरहम के 38, मज़ीद दो मनात गिरा दिए उन्होंने। लेकिन चले खैर, अभी छोटे मोटे चीज़ों पे तो नहीं देखना, मैं कौन सा ज़्यादा देर रह रहा हूँ, दो दिन बस स्टे है, 2 नाइट का स्टे है, थर्ड डे इंशाल्लाह वापसी। तो ये है जी, सुबह भी शायद मैंने आपको दिखाया था, पता नहीं। तो ये अपना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, इसमें अभी जाते हैं और जाके कुछ खाते हैं। कल मैंने बिरयानी खाई थी, 26 दिरहम इन्होंने मुझसे चार्ज किए थे, तो अभी देखते हैं। इंडियन एंड अरबिक क्रोज, शाही दरबार, और अपने शहजाद भाई, सलाम अलैकुम। ये है जी रेस्टोरेंट, और भाई जो है यहाँ पे पंजाबी बोलते हैं, तो चलते हैं और खाना खाते हैं। आज आपका भाई यहाँ बैठेगा। चिकन खा लो हाफ के नान, नान ले लो। तो ये है जी शहजाद भाई, जिन्होंने मेरी बहुत फेवर की है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, किस नाम से रहते हैं? शाही दस्तरखान। शाही दस्तरखान, जो दिस मेन्यू है हमारा बाकू में अज़रबैजान में बेस्ट फूड है। अच्छा, आप तो यहाँ पे आए, मैंने कल भी यहाँ पे बिरयानी खा के गया था, बहुत टेस्टी थी, और फिर आज मैंने PCR टेस्ट करवाना था, मुझे कोई समझ नहीं थी आ रही मैंने कहाँ से करवाना है, तो मैं शहजाद भाई नाम था, शहजाद भाई से आया, स्पेशली इनसे पूछा, इन्होंने फेवर भी की, बताया भी, और बाद में फिर मेरे लिए टैक्सी भी बुक की खुद, और मैं जाके करवा के आया, अभी ये मेरे पास है। बहुत शुक्रिया आप जब भी हैं अज़रबैजान बाकू में, प्लीज शाही दस्तरखान, दिस बेस्ट फूड फॉर अज़रबैजान इंडियन पाकिस्तानी। इंडियन पाकिस्तान, तो अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या है इनके पास। ये तंदूरी चिकन भाई कह रहे हैं कि ये बेस्ट है, शायद बेस्ट ही होगा, इसीलिए मुझे रिकमेंड कर रहे हैं, कल मैंने बिरयानी खाई थी, और बाकी ये मेन्यू है जी इनका, ये आप देख सकते हैं। प्रॉन मिक्स ग्रिल है, मलाई बोटी, तिक्का बोटी, ग्रीन सलाद है, चिकन जल फ्रेजी, चिकन दो प्याजा है, चिकन टिक्का मसाला, लहम खरा,
लहम मसाला ज़बरदस्त। तो ये सारा कुछ जो है ना मैंने आपको दिखा दिया, तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, टेस्ट कीजिएगा, बिल्कुल आपको वही टेस्ट मिलेगा, पाकिस्तानी ज़बरदस्त है। तो अभी भाई ने जो मुझे बोला है मैं वही रिकमेंड करूँगा और वही खाऊँगा, ठीक है जी, वही कर दें। और साथ नान है, अच्छा ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पाइसी स्पाइसी हाँ ज़बरदस्त। तो ये आ गया जी, हाफ ग्रिल चिकन ऑर्डर की है शहजाद भाई ने बोला था, और साथ में ही नान, तिलू वाले नान, और साथ में ये स्पाइसेस वगैरह। तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है और पानी आ रहा है मुँह में, तो फिनिश करते हैं और आपको लास्ट में बताता हूँ बिल कितना है। ज़बरदस्त है खाना। तो ये भाई देख लें, बिल आया 24 लाख, तो मैं दे रहा हूँ 20, 30।